हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जीसी एग्ज़ाम वेरी सिंसियरली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है जीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है, और इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनडीए के द्वारा पूछे गए इंग्लिश के सवाल कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और किस लेवल के इंग्लिश के सवाल आते हैं एनडीए अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब मैं एक एनडीए के रिगार्डिंग ऐसे इंग्लिश क्वेश्चंस जो एनडीए में पूछे गए हैं एक सीरीज़ चालू करूँगा, और जिससे आपकी छोटी से छोटी नोटिफिकेशन आ सके मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें उन्होंने पूछा था विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। इसमें पूछा था मिलेनियम की स्पेलिंग, और मिलेनियम की करेक्ट स्पेलिंग होते हैं ये MILLENIUM। और आप कोशिश कीजिए कि मेरे साथ बोलिए जिससे आप को एक तरह से साथ के साथ याद भी हो जाए मिलेनियम, या फिर ऐसे जो क्वेश्चंस जो मैं अभी आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए बोलिए MILLENIUM, ये होती है मिलेनियम की स्पेलिंग, जिसमें डबल एल आता है और फिर डबल एन आता है। और मिलेनियम का मतलब होता अ पीरियड ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और ह्यूमन परफेक्शन। तो इसमें क्या है ये वाला MILLENIUM, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो है मिलेनियम की करेक्ट स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एनटीए में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। अब इसमें इन्होंने पूछा है बेल वेदर की स्पेलिंग क्या सही होती है इन चारों ऑप्शंस में से। बेल वेदर की करेक्ट स्पेलिंग होती है, अब मेरे साथ आप भी बोलिए जिससे आपको साथ के साथ याद होता रहे बेल वेदर की स्पेलिंग। इसकी स्पेलिंग होती है BELLWETHER। बेल इसकी डेफिनेशन होती है वन दैट टेक्स द लीड और इनिशिएटिव, उसको कहते हैं बेल वेदर। तो इन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी आपकी बी, जो कि है BELLWETHER, बेल वेदर। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom। अब एक idiom पूछा गया था, उसकी मीनिंग बतानी है हम इन चारों ऑप्शंस में से, जिसमें है टू टाई द नॉट। अब इसमें होगा करेक्ट होगा गेट मैरिड होगा इसका ऑप्शन करेक्ट, जो कि होता है किसी से गांठ बांधना, मतलब होता है शादी करना। यह है इसका डिक्शनरी में टू टाई द नॉट मतलब क्या है, टू यूनाइट इन मैरिज। अब आगे बढ़ते हैं समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को वो है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। अब इन चारों ऑप्शंस में से बुगनवेलिया की स्पेलिंग बतानी है कौन सी करेक्ट होती है। बुगनवेलिया एक तरह का वाइन होता है जिसकी स्पेलिंग होती है, अब इसको बोलिए मेरे साथ BOBOUGAIN, बुगन बू यू गेन, ऐसे याद करिए बू यू गेन विलिया VILLEA, इसको कहेंगे विलिया, बुगन वेलिया होगी इसकी स्पेलिंग करेक्ट। अब इन चारों में से कौन सा है, देखिए मैंने क्या बोला था BOBOU गेन, गेन हो गया आपका ये, और विलिया VILLEA विलिया हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट सिग्निफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रैड्यूस। मतलब क्या है, इसमें एंटोनिम बताना है, डज नॉट मतलब क्या है सिमिलर मीनिंग ना हो, उल्टा मीनिंग हो, या फिर इनमें से एक भी मीनिंग एक सिमिलर ना हो, कोई और ही मीनिंग हो उसका होगा। अब इसमें मैं आपको आगे एक डिक्शनरी फॉर्म में बताता हूँ। देखिए ट्रैड्यूस का लिटरल मीनिंग होता है डेफिनेशन टू एक्सपोज टू शेम और ब्लेम बाय मीन्स ऑफ फॉल्सहुड और फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, या फिर वॉयलेट और बिट्रे, किसी को धोखा देना उसको कहते हैं ट्रेडूस। अब इसका प्लेडूट का प्लोदित होता है एन एक्ट और राउंड ऑफ अप्लॉज, इसको कहते हैं प्लोदित। अब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्लोदित। अब विलीफाई भी मतलब होता है किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाना या फिर गंदा करना। बिस्मर्च का भी सेम मीनिंग होता है, और रिवाइल का मीनिंग होता है टू सब्जेक्ट टू वर्बल अब्यूज, मतलब क्या है किसी का विट्यूपरेट या फिर कैरेक्टर को खराब करना, उसको कहते हैं रिवाइल। तो इसमें से सबसे अलग है प्लॉडिट, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें पूछा है डज नॉट सिग्निफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रोड्यूस, तो इसमें प्लॉडिट जो है अलग से एक मीनिंग है जो, और ये तीनों सिमिलर मीनिंग है एज कंपेयर टू ट्रेड्यूस। अब आगे बढ़ते हैं समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। अब ये है idiom phrases वाला क्वेश्चन, इसमें है टू स्ट्यू इन वंस जूस, मतलब क्या है
इन चारों ऑप्शंस में से आपको इस इडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है। ऑप्शंस हैं टू ईट हेल्दी फूड, टू सफर द रिजल्ट ऑफ वन्स ओन एक्शन, टू ईट अनहेल्दी फूड, टू सफर द रिजल्ट ऑफ अदर एक्शन। अब इसका करेक्ट आंसर है टू स्ट्यू इन वन्स ओन जूस, मतलब टू वरी एंड सफर बिकॉज ऑफ समथिंग वन डिड। मतलब क्या है, अपने कृत्यों की वजह से अपने रिजल्ट्स, उन कर्मों का रिजल्ट झेलना, उसको कहते हैं डिफ स्ट्यू इन वन्स ओन जूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू सफर द रिजल्ट्स ऑफ वन्स ओन एक्शन, उसको कहते हैं टू स्ट्यू इन वन्स ओन जूस। मतलब क्या है, अपने का मीनिंग हो जाएगा टू स्ट्यू इन वन्स ओन जूस। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मतलब क्या है इसका, इन चारों ऑप्शन में से इस इडियम का मीनिंग बताना है। वो ऑप्शंस हैं टू मेक गुड यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, टू पुट द कट ग्रास फॉर ड्राइंग अप, टू क्रिएट अ मेहम। मेहम मतलब क्या होता है, हैवॉक, या फिर एक ब्लंडर कर देना। मेहम ड्यूरिंग डे टाइम, बी केयरफुल ऑफ नाइट्स एंड डार्क्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, टू मेक गुड यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या है, किसी अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल, उसको कहते हैं टू मेक हे वाइल द सन शाइन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। अब ये वाला है स्पेलिंग वाला, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो आते हैं इन सब का सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की स्पेलिंग आपको याद होंगे और आपको एक मन में बैठ जाएगा कि यही करेक्ट स्पेलिंग होगा। अब इसका आंसर होगा कॉन्शियस, मेरे साथ बोलिए CON साइंस। अब इसमें साइन का CSCIEN कॉन्शियस हो जाएगा, कंसाइंशियस। तो इसको आपको, इसका करेक्ट आंसर होगा कंसाइंशियस का आपका करेक्ट CONSCI। साइन का देखिए, साइंस मैंने बोला था तो SCIENTIUS कॉन्शियस। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है वंस इन अ ब्लू मून। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में, और इसका आंसर होगा एन इंसिडेंट दैट हैपन्स एक्सट्रीमली रेयर। मतलब क्या है, किसी का बहुत चांस कम होते हैं जिस सिचुएशन का वापस से रिअकर करना, या तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मैं पहले ही बता दूं आपको, आंसर है ऑप्शन बी। अब याद रखिएगा, इसको याद रखने का है, क्लोज जैसे याद रखेंगे ना आप क्लोज, तो वही क्लॉस्ट्रो सेम हो जाएगा, CL इसमें, CL इसमें, लेकिन याद रखिएगा OS और OS, तो ये थोड़ा सिमिलर सा हो जाएगा, इसलिए क्लॉस या फिर क्लोज, ये दोनों सिमिलर सिमिलर से हैं। अब बाकी की मीनिंग, अब इन तीनों ऑप्शंस के मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर ऐसा ही एडिशनल कुछ क्वेश्चन आए तो आप वो सॉल्व कर पाएँ। मेरी प्रेनेंसेशन हो सकता है डिफरेंट हो, बट मीनिंग सेम होगा, जिसमें है ओडिनोफोबिया। ओडिनोफोबिया इज द फियर ऑफ नथिंगनेस, और नंबर जीरो उसको कहते हैं ओडिनोफोबिया। ये रहा आपका फियर ऑफ नथिंग, इसको कहते हैं ओडिनोफोबिया। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है कोयुलरोफोबिया, इसको कहेंगे फियर ऑफ क्लाउंस। मतलब जो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, देखिए फियर ऑफ क्लाउंस, क्लाउंस को कोलोरोनोफोबिया, उसको ये कहेंगे कोयुलरोफोबिया। अब इसको प्रोनंसिएशन को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा गूगल पे, कैसे प्रोनंसिएशन करते हैं इस वर्ड का, क्योंकि हो सकता है मेरा अलग हो प्रोनंसिएशन एज कम्पेयर टू गूगल। अब इसका है कोलोरोफोबिया, वापस से बता देता हूँ मैं, होता है फियर ऑफ क्लाउंस, उसको कहते हैं कोलोरोनोफोबिया। अब नेक्स्ट है निफोफोबिया, अब इसको कहते हैं फियर ऑफ क्लाउड्स, फियर ऑफ क्लाउड्स को नेफोफोबिया कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सिनोनिम। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी हों, उसमें सिनोनिम क्या होता है, सेम मीनिंग, एस से सेम, एस से सिनोनिम। तो आपको ऐसे याद रखिएगा, अगर आपको कभी सिनोनिम और फिर एंटोनिम में डिफरेंस हो, तो एंटोनिम मीन्स उल्टा, याद रखिए उल्टा हो जाएगा एंटो, और उसके बाद सिनोनिम मीन्स मतलब सेम। अब इसमें है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेज का सिनोनिम होगा रिजल्ट, मतलब कंसिक्वेंसेज, मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट आना, उसको कहते हैं कंसिक्वेंसेज। कंसिक्वेंसेज की स्पेलिंग भी कई बार आ जाती है, तो मेरे साथ बोलिए और स्पेलिंग को रिवाइज कीजिए, जो कि है CONSEQUE। अब ये अक्सर इस वाले में खेलता है एग्जामिनर, आगे पीछे करके दे देगा और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वापस से CONSEQUENCES। और मैं जब जब आपके साथ वर्ड बोलूं तो आप वापस से रिवाइज कीजिए, जिससे आपको याद हो जाए, एकदम से बाय हर्ट याद हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड कोगमायर। अब कोगमायर का सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, मतलब एक तरह से सिनोनिम पूछा है इसमें कोगमायर का। अब इसमें मैं आपको डिक्शनरी के थ्रू समझाता हूँ, कोगमायर का मीनिंग होता है सॉफ्ट मायरी लैंड दैट शेक्स और यील्ड्स और अंडर द फुट। अब इसमें सेकेंड ऑप्शन है अ डिफिकल्ट प्रिकेरियस और एंट्रैपिंग पोजिशन, मतलब क्या है, ऐसे जिसमें आप फंस सकते हैं उसको कहते हैं कोगमायर। तो इसका प्रीडिकमेंट हो जाएगा, प्रीडिकमेंट और क्वेगमायर अक्सर पूछा जा चुका है, तो ये वाला जरूर याद रखिए, एकदम याद कर लीजिए। बोलिए मेरे साथ, QUAGMIRE, क्वेगमायर मीन्स अ प्रीडिकमेंट, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी के बफून का आपको कई बार पूछा जाता है, उसका मीनिंग होता है अ ल्यूडिक्रस फिगर या फिर क्लाउन, मतलब क्या है, ऐसा बंदा जिस जोकर जोकर को क्या करते हैं हम, हंसते हैं अक्सर देख के, तो हो जाएगा बफून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्पेलिंग। इसका है एम्बेरेस, एक्नॉलेज, कॉन्शियस, डेफिनेट। अब इसका एम्बेरेस है करेक्ट ऑप्शन, जो कि है स्पेलिंग एम्बेरेस का, वो है EMBA, एम्बार रस। अब ऐसे याद कीजिए, एम्बार आप याद कर लेंगे, एम्बार, EMBARR, बार को बार वैसा वो दारू वाला बार नहीं, वो है जेल वाला बार समझिए इसको, इसको BARR बार हो जाएगा, और SASS मतलब एस हो गया आपका गधा वाला एस। तो आपको ऐसे याद रखना है, मेरे साथ बोलिए, EMBA, EMBARR, ASS। अब अक्सर एग्जामिनर इन वाले चक्रों में खेलता है, RR दे देगा या फिर ASS दे देगा, लेकिन आप याद रखिएगा इम्बार हो जाएगा, EMBARR इम्बार, और रस हो जाएगा RASS। तो आपका एक तरफ बार वो वाला हो गया, फिर रस RASS रस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसमें है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब मैंने क्या बताया था आपको, सिनोनिम मतलब सेम, एंटोनिम मतलब उल्टा, तो एंटोनिम पूछा है, तो इसमें एंटोनिम का प्रिकेरियस का उल्टा क्या होगा। प्रिकेरियस मतलब होता है वैसे, प्रिकेरियस मतलब होता है अननोन कंडीशन और अनसर्टेन डेवलपमेंट, मतलब क्या है, ऐसी डेवलपमेंट जिसका एंड रिजल्ट क्या होगा आपको पता नहीं, उसको कहते हैं प्रिकेरियस। तो इसको कई बार डिफिकल्ट भी कहा जाता है प्रिकेरियस, या फिर डेंजरस भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि प्रिकेरियस मतलब अननोन सिचुएशन, सिक्योर मतलब जब आपको पता है कि हाँ जी यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द एनालॉगी। एक्रोफोबिया, इसका है फियर ऑफ हाइट्स, और एंग्लोफोबिया पूछा है। एंग्लोफोबिया अक्सर होता है आपका फियर ऑफ इंग्लिश कल्चर या फिर पीपल, इसको कहते हैं अंग्रेज से, ऐसे याद रखिए, अंग्रेज हो गया तो उसको कह देंगे एंग्लोफोबिया, और उसका मीनिंग हो जाएगा फियर ऑफ इंग्लिश कल्चर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ऑलराइट गाइस, ये थे आज के 15 क्वेश्चंस जो कि NTA में पूछे गए थे इंग्लिश सब्जेक्ट से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस, अब जो आपके जितने लेफ्ट डेज बाकी हैं JC एग्ज़ाम से पहले, ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा और आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बता सकूँ कि इंग्लिश किस लेवल की आती है अगर NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी ऐसी वीडियोस जो कि आज शाम 6 बजे एक और आएगी, सबसे पहले देखने के लिए थैंक यू।